जी, मैं सबसे पहले रूबरू कराता हूँ, ये हमारे वहाँ बैठे हुए हैं लंबी मूछ वाले पदम सिंह जी हैं। ये बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म में को प्रोड्यूसर हैं। रजनीश मिश्रा जी हमारे परम मित्र हैं और इस फिल्म के निर्देशक हैं। इनकी शुरुआत मेहंदी लगा के रखना से हुई थी, उसमें मैं भी था, तो इनके बारे में क्या कहना। ये हमारे वन एंड ओनली द ग्रेट विलन संजय पांडे जी हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। ये कल्लू जी हैं, ये हमारे भोजपुरी के भविष्य हैं ये, और मैं पास्ट भी था, वर्तमान भी हूँ और भविष्य भी रहूँगा। ये प्रदीप शर्मा जी हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं, बावा मोशन पिक्चर्स जो है उसके निर्माता हैं, और निर्मात्री हमारी ये है, इनकी धर्मपत्नी है और सह निर्मात्री कह लीजिए या इनकी सर्वांगिनी कह लीजिए, होम सर्वांगिनी मैंने बोल दी, अब तुम शब्दों का मतलब समझो। ये अनीता रावत जी हैं, बहुत ही अद्भुत अदाकारा हैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, इनका बहुत अच्छा योगदान, अभी हर फिल्म उधर फिल्म बढ़ रहा है और बहुत अच्छी डांसर रही हैं। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार किया है और यही हमारा परिचय है। हमारे जो इस फिल्म के विलन हैं देव सिंह जी, वो शायद नहीं है, वो चेयर की कमी थी इसलिए नहीं, चेयर देव की कमी नहीं है, किसी काम से अभी आ वो रहे। उधर हैं, देव सिंह जी जो हमारी इंडस्ट्री के आज के डेट के सबसे होनहार विलेन होते चले जा रहे हैं, यंग में, ओल्ड में संजय पांडे जी हैं। आप अपने आप को विलन नहीं मानते हैं? नहीं, मैंने बोला ना, मैं पास्ट भी था, प्रेजेंट भी हूँ, फ्यूचर भी रहूँगा। एक सुबोध सेठ जी हैं, वो भी इस फिल्म में नेगेटिव रोल किए हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। एक अरुण काका जी हैं, ये सब पर्दे के बाहर हैं, अभी उधर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे लोगों की मौजूदगी है। हमारी जो हीरोइन है सोनालिका प्रसाद जी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, उनका फ्लाइट शायद मिस कर गया, कुछ तो हुआ है, और बाकी यही है हम लोग फिलहाल। क्या बाबा, आपने किडनैप तो नहीं किया ना फिर? मैं तो खुद ही यहाँ हूँ, किडनैप्ड हुआ हुआ हूँ जी। पूछिए आनंद बाबू, आप कल्लू जी से पूछना चाहता हूँ राज तिलक के बारे में। कल्लू जी बताएं जरा राज तिलक के बारे में, आपका असल में राज तिलक किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, मतलब क्या है बेसिकली राज तिलक किसका है? सबसे पहले तो आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ, और राज तिलक के बारे में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहली बार बाबा मोशन पिक्चर से जुड़ा मैं, जिसके प्रोड्यूसर राज तिलक के प्रदीप सर एंड अनिता मैम, और मेरी बहुत चाहत थी, जब भी मैं फिल्म देखता था, देखा मैंने मेहंदी लगा के रखना, तो सबका होता है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ, इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ। तो एक दिन ऐसे ही सेट पे हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने बाबा से बोला कि मेरा भी इच्छा है कि मैं रजनीश मिश्रा जी के साथ काम करूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा का कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, और रजनीश सर का कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, जब पहली बार सुना है तो ही मैंने बोला कि कुछ हो ना चाहे ना हो, कोई भी फिल्म बने ना बने, लेकिन राज तिलक जरूर बनेगी। और रही बात राज तिलक किसकी हो रही, तो इसके लिए आप लोगों को नज़दीकी सिनेमाघरों में जाना पड़ेगा। 12 जुलाई, 12 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएँ और आप लोग देखें कि राज तिलक किसकी हो रही है। संजय जी, आप कल्लू के राज तिलक में इनकी मदद कर रहे हैं या फिर इनके बाधाएं डाल रहे हैं, इनके राज तिलक में रोड़े अटका रहे हैं? नहीं, मैं रोड़े ही अटका रहा हूँ, मदद नहीं कर रहा हूँ उस फिल्म में, विलन ही हूँ मैं, जैसा कि अवधेश जी ने प्रमाणित किया अभी कि मैं विलन करता हूँ तो बड़े भाई का आदेश कैसे मैं टाल सकता हूँ तो मैं विलन ही हूँ इस फिल्म में। और बहुत, जैसे कहा जाए, रजनी जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, बीच में एक डमरू में नहीं था बस मैं, बाकी जो फिल्में लगातार इन्होंने की उसमें मैं रहा हूँ। प्रदीप जी के साथ पहली बार काम किया इनके प्रोडक्शन में, तो एक मुझे लगता है कि एक ख़ास बात जो मैं अपने डायरेक्टर के बारे में कहूँ कि ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं। एक निर्देशक जब खुद अभिनेता होता है तो वो अभिनेता की समस्या को समझता है और वो बारीकियों को जानता है, तो इनकी फिल्मों में मैं इन्हें ही फॉलो करता हूँ और बाकी कुछ नहीं। रजेश जी, आप ने पहले फिल्में की, इससे पहले बैक टू बैक कई